हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सूरज कंप्यूटर से आज आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। हम दो प्रिंटर का कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं कि कौन सा प्रिंटर, ये डेस्कजेट प्रिंटर अच्छा होता है या इंक टैंक प्रिंटर अच्छा होता है, तो उसी के बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप अवश्य हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको किस प्रकार फायदेमंद होता है हमारा वीडियो। हम चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो हमारे वीडियो से आपको वीडियो से ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। तो आज हम आपको इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि हम डेस्कजेट प्रिंटर खरीदे या इंक टैंक प्रिंटर खरीदे। इंक टैंक प्रिंटर खरीदने का क्या फायदा है और डेस्कजेट प्रिंटर खरीदने का क्या फायदा है, किस कंडीशन के, किस पर्पज के लिए हम इंक टैंक खरीदे या किस पर्पज का हमारा क्या कब काम हो कि हम डेस्कजेट प्रिंटर खरीदे, तो ये भी बहुत इंक्वायरी होती है हमारे चैनल पे। तो हम इसी के लिए आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं इसी के बारे में। तो ये हमारे पास एक प्रिंटर है एचपी इंक टैंक 419 और एक हमारे पास प्रिंटर है एचपी डेस्कजेट 2729। तो इनके बारे में हम आपको बताते हैं कि कौन सा प्रिंटर किस प्रकार काम करता है और किसमें हम क्या कौन सा हम डेस्कजेट प्रिंटर खरीदे या इंक टैंक प्रिंटर खरीदे। सबसे पहले मैं आपको बताता चाहता हूं कि आप अपने काम के वर्क पर्पज के हिसाब से प्रिंटर खरीदें कि आपको काम क्या है। जैसा कि मैं देखता हूं कि हम कहीं पे देखते हैं कि कोई प्रिंट आउट वगैरह की दुकान होती है, कमर्शियल यूज से मान के चलें कि हमें कमर्शियल यूज के लिए यदि प्रिंटर खरीदना है तो उस कंडीशन में आप इंक टैंक को प्रेफर कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, इंक टैंक सिस्टम में प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत सस्ती पड़ती है पर थोड़ा मेंटेनेंस ज्यादा हो जाता है, जैसे कि इंक डलवाना, इसके हेड खरीदना, इस टाइप के कुछ भी आप जाओ तो वो कॉस्ट थोड़ा ज्यादा पड़ता है। और डेस्कजेट में क्या होता है, कार्टेज सस्ती मिलते हैं, कार्टेज रिफिल भी हो जाते हैं, 100-150 रुपए में आप रिफिल करा के फिर भी आप यूज करना शुरू कर सकते हो कार्टेज को। ये डिफरेंस होता है थोड़ा उसमें कि होम पर्पज से खरीदे या हम किसी कमर्शियल पर्पज से खरीदे। यदि आपको कोई दुकान वगैरह पे काम करना है, प्रिंटिंग वगैरह निकालने वगैरह का काम करना है तो आप इंक टैंक प्रिंटर को प्रेफर कर सकते हैं। नहीं अदरवाइज आपको घर के लिए यूज करना है तो आप इंक जेट का भी प्रिंटर, ये इंक जेट मतलब डेस्कजेट वाले जो छोटे कार्ड जिसमें कार्टेज लगती है। हम पहले आपको बात बताते हैं एचपी 419 के बारे में। एचपी 419 में टैंक सिस्टम होता है, इसमें हमारा इंक डलता है ज्यादा 100 ml के आसपास, 70 से 100 ml इंक डलता है और इसमें हेड का सिस्टम होता है जो पाइप के थ्रू इंक अंदर जाती है और आपको रिफिल करने के आप झंझट से बच सकते हो। और डेस्कजेट में हम क्या करते हैं, आपको बार बार इंजेक्ट करना पड़ता है, इंजेक्शन से इंक उसमें डालनी पड़ती है, इसमें आप बच जाते हो टैंक वाले में, इस सिस्टम से आप बच जाते हो। दूसरा, इसका पेपर पर मिनट, पेपर की जो टाइमिंग होती है निकालने की वो इंक टैंक में थोड़ा फास्ट होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सेंसर होते हैं जो पेपर को सेंस करते हैं, उससे थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है इंक डेस्कजेट में, जबकि ऐसा नहीं होता है। डेस्कजेट में हमारा पेपर पर मिनट की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। दूसरा बात, क्वालिटी का क्या डिफरेंस होता है। क्वालिटी में आपको डेस्कजेट में क्वालिटी थोड़ा अच्छी, थोड़ा लो आएगी रिफिल के बाद, और जबकि इंक टैंक जो होता है उसकी क्वालिटी आपकी प्रिंटिंग की जो को क्वालिटी में उसकी थोड़ी लो क्वालिटी आ जाती है रिफिलिंग में, जबकि आपका इसमें जो इंक टैंक प्रिंटर होते हैं उसमें एचपी की ओरिजिनल इंक यूज करनी होती है, हमें करनी भी चाहिए वैसे, मैं आपको सजेस्ट करूं उस वीडियो के माध्यम से, तो उसमें क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आता है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। डार्कनेस पे आपको देखोगे तो बहुत अच्छी होती है, ब्राइटनेस वगैरह बहुत अच्छी से क्वालिटी में आती है। फिर हम बात करते हैं कार्टेज के बारे में, इसकी कार्टेज का क्या होता है। इसका ये है कि जब आपने यूज करना है उसी टाइम पे प्रिंटर आप कार्टेज लगाओगे डेस्कजेट में, तो वो उसका क्वालिटी आपको 1500 से 1600 रुपए में आपको मार्केट में कार्टेज मिल जाएगी, और वो क्या होगा आपका 400 से 500, 250 से 300 पेज के आसपास पेज निकलते हैं। जबकि इंक टैंक प्रिंटर में हम देखेंगे कि इंक टैंक प्रिंटर आपने जब अपना टैंक फुल कर दिया है उसके बाद 4000 की कैपेसिटी, 3000 से 4000 की कैपेसिटी के अंदर इसमें पेज निकलते हैं और आपकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। यदि आप हम मशीन को रेगुलर यूज करते हैं तो हमें इंक टैंक प्रिंटर पे जाना चाहिए। मैं बताता हूं कि आपको कौन सा कब लेना चाहिए, इस चीज को अब आप सुनना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये आपको प्रिंटर कौन सा खरीदना चाहिए, किस स्थिति में, तो वो मैं आपको बता देता हूं। यदि आपका बहुत ज्यादा प्रिंटिंग का काम है, जैसे कि आपको दिन में को 10-20-50 पेज निकालने होते हैं, तो आप इंक टैंक को प्रेफर करो, इंक टैंक ही प्रिंटर लो, तो आपका बहुत अच्छा 1 से 2 रुपए की कॉस्टिंग में आपका प्रिंट आउट निकलेगा। यदि आपका काम कम है कि भाई 1-2 ही पेज निकालना है तो फिर आप डेस्कजेट पे जा सकते हो। डेस्कजेट में डेस्कजेट प्रिंटर सस्ते होते हैं, इसलिए ये महंगा प्रिंटर होता है, तो ये तो तभी कामयाब है प्रिंटर यदि आपका काम ज्यादा हो। यदि आपका काम कम है तो आप प्रिंटर डेस्कजेट खरीद सकते हो, उसमें भी आपको फायदा होगा।
इस प्रकार ये दो प्रिंटर में हमने आपको बताया है कि आप डेजेट खरीदे या इंक टैंक प्रिंटर खरीदे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।